प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय है मृदा अपरदन। काफी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण विषय है। वायु तथा जल के द्वारा भूमि की ऊपरी परत का दूसरे स्थान पर जाना मृदा अपरदन कहलाता है। अर्थात जब भूमि की ऊपरी परत वायु द्वारा उठकर या पानी द्वारा बहकर दूसरे स्थान पर चली जाती है तो उसे मृदा अपरदन कहते हैं, और इसे भूमि कटाव या भूरक्षण भी कहते हैं। यानी कि भूरक्षण, भूमि कटाव या मृदा अपरदन, ये सारे एक ही नाम अर्थात सेम विषय है, वही इनका सेम मतलब परिभाषा है या एक ही नाम से इनको जाना जाता है, भूमि कटाव, मृदा अपरदन और भूरक्षण। अब इसकी हानियां क्या क्या है? हानियां नंबर एक, भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है। यानी कि जब भूमि की ऊपरी परत बहकर या उठकर दूसरे स्थान पर जाती है तो भूमि की उपजाऊ शक्ति कम होती है। देखो, मैंने पहले एक परिभाषा बताई थी आपको, मिट्टी। एग्रीकल्चर में, कृषि में मिट्टी क्या है? भूमि की ऊपरी परत, और उसी के अंदर पोषक तत्व तो विद्यमान होते हैं। यदि वो बहकर या उड़कर दूसरे स्थान पर जाएगी तो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति समाप्त हो जाएगी और उसमें हम फसल उत्पादन नहीं कर सकते। नंबर दो, नदियों के मुहाने पर मिट्टी जमने से बाढ़ आ जाती है। भाई मान लो नदी का मुहाना क्या है? भाई पहाड़ों से काफी छोटी मोटी नालियां आकर के मैदानी भागों में जिस स्थान पर नदी का रूप लेती है तो उसे बोलते मुहाना। और मुहाने पर मान लो मिट्टी जम जाएगी तो पानी आसपास के खेतों में फैलेगा, बाढ़ आने की संभावना ज्यादा होगी। नंबर तीन, एक जगह से बही मिट्टी दूसरी जगह हानि पहुंचाती है। एक स्थान से जब मिट्टी दूसरे स्थान पर जाती है ना तो दूसरी मिट्टी को भी अनुपजाऊ कर देती है। नंबर चार, मृदा अपरदन से खेतों में गहरे नाले बन जाते हैं। जब वे भूमि की ऊपरी परत बहकर या उड़ करके दूसरे स्थान पर जाएगी तो खेतों में बड़े बड़े नाले बन जाएंगे और वहां पर कृषि क्रिया करना काफी मुश्किल होता है। तो ये मृदा अपरदन की हानियां। अब आगे है कि मृदा अपरदन के कारण क्या है? भाई मिट्टी बहकर या उड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाती है? नंबर एक, वनस्पति कमी। जहां पर वनस्पति पेड़ पौधे कम होंगे तो वहां पर मृदा अपरदन ज्यादा होगा। नंबर दो, मानसून का प्रभाव। अर्थात जिस जगह मानसून ज्यादा है तो वहां पर मृदा अपरदन ज्यादा है, मानसून कम होगी यानी कि मानसून की गति कम होगी तो मृदा अपरदन कम होगा। नंबर तीन, भूमि की ढाल। यदि भूमि की ढाल तीव्र है मृदा अपरदन ज्यादा होगा। नंबर चार, भूमि की किस्म। यदि भूमि बाड़ू रेत है, मोटी बाड़ू रेत है तो वहां पर मृदा अपरदन ज्यादा होगा, उठ करके भूमि की ऊपरी परत एक स्थान से दूसरी स्थान पर चली जाएगी। नंबर पांच, वायु की गति। जिन स्थानों पर वायु बहुत तेज गति से चलती है तो वहां पर मृदा अपरदन ज्यादा होता है। नंबर छह, पानी का वेग। यदि बहुत तेज गति से पानी का बहाव होता है तो मिट्टी की ऊपरी परत बहकर दूसरे स्थान पर चली जाएगी, अर्थात मृदा अपरदन होगा। नंबर सात, शुष्क मौसम। भाई ऐसे क्षेत्र जहां पर पूरे वर्ष बारिश काफी कम होती है तो ऐसे शुष्क क्षेत्रों में मृदा का अपरदन ज्यादा होगा, अर्थात मिट्टी की ऊपरी परत उड़ करके दूसरे स्थान पर जाने की संभावना ज्यादा होगी। और नंबर आठ, समतल खुला क्षेत्र। वैसे स्थान जहां पर फसल पेड़ पौधे कम है, बहुत बड़ा खुला क्षेत्र है तो वहां भी मिट्टी अपरदन अर्थात मृदा अपरदन का प्रभाव ज्यादा होगा। अब
भाई मृदा अपरदन के प्रकार कितने हैं। दो प्रकार से मृदा अपरदन होता है, नंबर एक पवन द्वारा, नंबर दो जल द्वारा। ये तो मैंने पहले बता दिया कि यदि पवन द्वारा उड़कर मिट्टी दूसरे स्थान पर चली जाएगी या जल द्वारा बह करके मिट्टी दूसरे स्थान पर चली जाएगी तो उससे मृदा अपरदन होता है। तो दो प्रकार है, पवन द्वारा या जल द्वारा। अब आगे नियंत्रण, यानी भाई जहां पर मृदा अपरदन ज्यादा होता है तो उस मृदा अपरदन की रोकथाम कैसे हो, उसको नियंत्रण कैसे किया जा सकता है। नंबर एक, खेत की मेढ़बंदी करना। खेत के चारों तरफ यदि हम काफी बड़ी बड़ी मेढ़े बना देते हैं, मेढ़बंदी कर देते हैं, तो मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। नंबर दो, भूमि का समतल करना। देखो जहां पर भूमि उबड़ खाबड़ ज्यादा होगी तो वहां पर मृदा अपरदन ज्यादा होता है। यदि उस भूमि को समतल कर दिया जाए तो मृदा अपरदन नियंत्रण हो सकता है, नियंत्रित हो सकता है। नंबर तीन, वृक्ष लगाना। मृदा अपरदन को रोकने के लिए हमने ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। नंबर चार, जीवांश खादों का प्रयोग करना। हम यदि ज्यादा खेतों में रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं तो मृदा अपरदन की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए हमने खेतों में ज्यादा जीवांश खाद जैसे गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, हरी खाद का प्रयोग ज्यादा करना चाहिए। और नंबर पांच, फसल चक्र अपना करके, यानी कि हमने फसल को बदल बदल कर बोना चाहिए, उससे भी मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। नंबर छह, फसलों को कतारों में बो करके। देखो यदि हम फसलों कतारों में बोएंगे तो मृदा अपरदन की संभावना कम होगी, इसलिए हमेशा कोई भी फसल हल द्वारा या बीज बोने की मशीन द्वारा उसको फसल को कतारों में बोना चाहिए, पंक्तियों में बोना चाहिए, मृदा अपरदन कम होता है। और नंबर सात, तरागा लगाना। जो तरागा होता है पशुओं के तरने का स्थान, तो हमने जहां भी बहुत बड़ा खुला समतल क्षेत्र है वहां पर तरागा बना देनी चाहिए, अर्थात घास लगा देनी चाहिए, तो उससे भी मृदा अपरदन को कम किया जा सकता है, रोका जा सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय क्या था, मृदा अपरदन क्या है, मृदा अपरदन होने वाली हानियां क्या क्या है, मृदा अपरदन के कारण क्या है, मृदा अपरदन कितने प्रकार का होता है और मृदा अपरदन को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, इस टॉपिक को आज आपने बार बार दोहराना है, पढ़ना है। धन्यवाद।